राजस्थान में महिलाओं के साथ अपराध लगातार बढ़ रहा है। इसी कड़ी में राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में एक नाबालिग बच्ची को कोयले की भट्टी में जलाकर मार दिया गया। आशंका जताई जा रही है कि इससे पहले उसके साथ गैंगरेप भी हुआ था। परिवार ने बताया कि नाबालिग लड़की सुबह घर से बकरियां चराने निकली थी, लेकिन बकरियां खुद ही 3 बजे घर वापस आ गईं, लेकिन लड़की नहीं आई, जिसके बाद परिवार ने उसे ढूंढना शुरू किया और फिर कोयले की भट्टी से आग जलती देखी। इस भट्टी के पास जैसे ही परिवार आया तो वहां पर उन्हें लड़की के जूते और कड़े मिले, जिसके बाद परिवार ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। 3 अगस्त को गुर्जर समाज के कई लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने न्याय की मांग की। इस तरह से अमानवीय कृत्य हो रहे हैं, लेकिन अभी भी पुलिस प्रशासन, मैं सोचता हूं कि उसके बाद, जबकि इन्होंने ढूंढने के पहले बार रिपोर्ट दिए थाने में, लेकिन थानेदार जी ने कोई कार्रवाई नहीं की। आश्चर्य की बात है कि इतने बड़े जघन्य अपराध में भी अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती तो पुलिस हमारी रक्षक है या भक्षक है, ये मेरे समझ के बाहर की बात है। और मैं तो कहता हूं कि ऐसा राजस्थान में कभी नहीं रहा। 40 साल से मैं भी राजनीति में हूं, लेकिन मैंने मेरी जिंदगी में इतना लापरवाही से इतना घोर कृत्य और अपराध होते हुए मैंने नहीं देखा। वहीं बीजेपी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इस्तीफे की मांग की। ये वही भीलवाड़ा है जहां कुछ दिनों पहले एक बच्ची के साथ और दुष्कर्म हुआ। ये वही भीलवाड़ा है जहां शाम के ऊपर बेटियों को, बच्चियों को बेच दिया जाता है। मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी, शर्म के मारे आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। आप गृह मंत्रालय नहीं समझता है तो क्यों ऐसे कुर्सी से चिपके हुए? राजस्थान में एक के बाद एक ऐसी घटनाएं हो रही है जो राजस्थान को शर्मसार करने वाली, कलंकित करने वाली घटनाएं हैं। आप नारी की, बच्चों की सुरक्षा नहीं कर सकते तो राजस्थान की सुरक्षा कैसे कर पाएंगे? अब तक इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं पुलिस लगातार सबूतों की खोजबीन कर रही है, साथ ही आरोपियों से पूछताछ की जा रही है कि उनके साथ और कौन कौन शामिल था।